पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जनपद बागेश्वर में प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुफाल की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में एक जिला स्तरीय समिति की बैठक की गई, जिसमें अध्यक्ष जिला पंचायत बसंत देवी, विधायक बागेश्वर चंदन रामदास, अध्यक्ष नगर पालिका सुरेश खेतवाल और जिलाधिकारी विनीत कुमार तथा पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव सहित संबंधित अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में प्रभारी मंत्री द्वारा जनपद में व्यक्तियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए उनके लिए की जा रही व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नियंत्रण पर रोकथाम के लिए इस कार्य में लगे सभी अधिकारी और कार्मिकों को आपसी समन्वय के साथ एक टीम भावना से कार्य करने की जरूरत है, ताकि संक्रमण को आम जनमानस में फैलने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों और जनपदों से जनपद में आने वाले व्यक्तियों को होम आइसोलेशन करते हुए उन्हें सभी आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई जाएं। इसमें आपके ऑक्सीजन की व्यवस्था को भी यहाँ पर सिलेंडर खाली नहीं देने चाहिए, बेडों की व्यवस्था भी और बढ़ाई जाए और स्थान भी चिन्हित कर रहे हैं। अभी 200 बेड की व्यवस्था जल्दी से जल्दी 15 दिन के अंदर व्यवस्था बन जाएगी। अभी जिलाधिकारी जी से बात हुई है कि स्थान चयनित कर रहे हैं, मीटिंग के बाद यहाँ पर 200 बेड बने, तो सारी व्यवस्था हम कर रहे हैं इसमें ही कि लंबे समय तक अभी हमारी हम तो चाह रहे थे कि जल्दी जल्दी से जो चीज कम होते रहे, लेकिन फिर भी हमने अपनी व्यवस्था करने के लिए पूरी व्यवस्था है। अधिकारी के और जनप्रतिनिधियों की संगठन के लोग जो भी आए थे सबके सामने बैठक बुलाई गई थी और समीक्षा की गई। इसमें ये निर्णय लगे कि हमें जो रिपोर्ट आ रही ग्रामीण क्षेत्र से, वहाँ पर ज़्यादा सैंपलिंग बढ़ाने की बात आ रही और सैंपलिंग बहुत सारे लोग बता भी नहीं पा रहे, तो उसके लिए निगरानी समिति है। निगरानी समिति के माध्यम से और गांव का कोई भी आदमी वहाँ पर जो भी है वो टेलीफोन के माध्यम से कंट्रोल रूम में जिलाधिकारी को, जिलाधिकारी स्वास्थ्य विभाग को, माननीय विधायक को, जिला जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको टेलीफोन करें और इस गांव में लोगों को सर्दी जुकाम लग रहा है तो तत्काल दूसरे दिन हमारी वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम यदि उसी दिन होगा डॉक्टर होगी तो नज़दीक में तो उसी दिन टीम पहुँच जाएगी, नहीं तो दूसरे दिन तक टीम आ जाएगी और वहाँ पर लोगों का परीक्षण करेगी और सैंपलिंग करके लाएगी। सैंपलिंग ही हमारा सबसे कि उसको बढ़ाने का यहाँ पर है। बाकी जो यहाँ पर व्यवस्था है, व्यवस्था अभी हमारे पास बेडों की व्यवस्था भी है, ऑक्सीजन की व्यवस्था पूरी है और इसमें इंजेक्शन की भी सारी चीज़ें जो भी जीवन रक्षक दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं इस समय आपके बागेश्वर जनपद। राशन वितरण का मामला उठा था, जिनके ऑनलाइन कार्ड नहीं है उनको राशन वितरण पर आप पर बात आई है कि आप शासन से बात करें। बिल्कुल, उसमें बहुत सारे ऐसे राशन कार्ड हैं जो लोगों को ऑनलाइन नहीं मिल पाए, तो उनके ऑनलाइन तो चालान नहीं लग पा रहे, तो उनको खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा, तो इस समय कोविड के जरूरत में तो लोग काम भी जब कई मजदूरी करते थे और वो उससे भी गांव का यदि पूरा गांव में कोविड में उसमें सील हो गया तो लोगों को काम करने की परेशानी तो हो रही है, राशन की व्यवस्था है, तो उनके लिए अभी शासन से बात करूं कि जो छूट गए ऑनलाइन उन राशन कार्डों को राशन देने की बात अभी शासन से करूंगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।